Hello everyone, we the students of BPT 4th year from Index Department of Physiotherapy and Paramedical Sciences, Malwanchal University are presenting a video on description and demonstration of plyometrics, agility, shin test and ACL test. We will be covering hand release push-ups, 5-10 5 drill, ACL special test and shin special test. Under the guidance of respected Principal Dr. Reshma Khurana ma'am, supported by Dr. Payal Jain ma'am. Hello, I am Shivam Patidar and I will describe you one of the part of agility training, that is 5-10 5 drill. 5-10 5 drill is a pro agility test that can be used in numerous sports to evaluate any athlete's speed, agility, endurance, explosiveness and sudden change in direction. So come, let's see how to perform 5-10 5 drill. So 5-10 5 drill perform karne ke liye aapko 3 cones lena hai. उनको एक स्ट्रेट लाइन में रखना है और तीनों के बीच में 5-5 यार्ड का डिस्टेंस रहना चाहिए। अगर आपके पास कोन्स नहीं है तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, उसको आप 5-5 यार्ड के डिस्टेंस पे रख सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस ड्रिल को कैसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले आपको मिडिल से स्टार्ट करना है। आपकी पोजिशन ये रहना चाहिए, अपने शोल्डर से अपार्ट रहना चाहिए और जिस साइड पे आपको मूव करना है, जिस साइड पे पहले दौड़ना है, सपोज आप राइट साइड दौड़ रहे हो तो आपका राइट हैंड नीचे टच होना चाहिए। आप उसके बाद आपको पूरी पावर से एक्सेलरेट करके अपने राइट साइड मूव करके अपने इस लाइन पे हार्ड टच करना है। देन आपको पूरा इधर मूव करके यहाँ पे अपना लेफ्ट हैंड टच करना है जिस साइड आप मूव कर रहे हो। इसके बाद आपको वापस सेंटर में आना है। तो चलिए इस ड्रिल को परफॉर्म करके देखते हैं। जैसे ही आपकी एक ड्रिल कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको अपना टाइम रिकॉर्ड करना है कि आपने कितने सेकेंड्स लिए ड्रिल। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम संदीप पटेल। मैं डिस्क्राइब करूंगा प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग, जिसमें मैं बताऊंगा हैंड रिलीज पुशअप कैसे करते हैं और हैंड रिलीज पुशअप के क्या बेनिफिट है। आइए पहले देखते हैं हैंड रिलीज पुशअप के बेनिफिट। फंक्शनल कैपेसिटी इंक्रीज होती है, अपर बॉडी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, शोल्डर मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। अभी हमने देखा हैंड रिलीज पुशअप के बेनिफिट, अब देखेंगे हैंड रिलीज पुशअप कैसे करते हैं। सबसे पहले प्रोन पोजीशन में आएंगे, देन इसके बाद दोनों पाँव को ग्राउंड से टच करेंगे, बॉडी को अपवर्ड पुल करेंगे, देन वापस नीचे ले जाएंगे और दोनों हैंड रिलीज करेंगे। पहली टेक्निक ये होती है। देन दूसरी टेक्निक हैंड रिलीज पुशअप में ये होती है कि अपन सेम टेक्निक रहेगी, बस उसमें एयर में ही अपन हैंड को रिलीज करेंगे। आइए हम अब दोनों टेक्निक को परफॉर्म करते हैं। टेक्निक फर्स्ट, टेक्निक सेकेंड। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु राठौर और अब मैं आपको बताऊंगा एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी के स्पेशल टेस्ट। हमारा पहला टेस्ट है लैकमैन्स टेस्ट। लैकमैन्स टेस्ट में पेशेंट पोजीशन सुपाइन रहेगी और थेरापिस्ट पोजीशन स्टैंडिंग बिहाइंड द अफेक्टेड लेग। सबसे पहले हमको नी को 20-30 डिग्री फ्लेक्स करना है, एक हाथ से डिस्टल एंड ऑफ फीमर को स्टेबलाइज करना है और अपने दूसरे हाथ से प्रोक्सिमल एंड ऑफ टीबिया को पोस्टीरियर साइड से एंटीरियर ग्लाइड देना है। इस कंडीशन में अगर टीबिया का एक्सेसिव ग्लाइड हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा ACL टेस्ट पॉजिटिव है। हमारा दूसरा टेस्ट है एंटीरियर ड्रॉवर टेस्ट। एंटीरियर ड्रॉवर टेस्ट में पेशेंट की पोजिशन सुपाइन लाइंग रहेगी और थेरापिस्ट की पोजिशन स्टैंडिंग बिहाइंड दी अफेक्टेड लेग। सबसे पहले हमें नी को 80-90 डिग्री फ्लेक्स करना है, उसके बाद एंकल को स्टेबलाइज करना है और टीबिया को एंटीरियरली ग्लाइड देना है।
इस कंडीशन में अगर टीबिया का एक्सेसिव ग्लाइड हो रहा है और पेशेंट पेन की कंप्लेन कर रहा है, मतलब टेस्ट पॉजिटिव है। हमारा तीसरा टेस्ट है पाइवट शिफ्ट स्ट्रेस टेस्ट। इसमें पेशेंट पोजीशन सुपाइन लाइंग रहेगी और थेरापिस्ट पोजीशन स्टैंडिंग बिहाइंड द अफेक्टेड लिम। सबसे पहले हमें नी को और हिप को 90 डिग्री फ्लेक्शन में ले जाना है। उसके बाद वेलगस फोर्स देते हुए नी को स्लोली एक्सटेंड करना है। इस कंडीशन में अगर पेशेंट पेन की कंप्लेन करता है तो टेस्ट पॉजिटिव है। हेलो, आई एम अनुराधा द्विवेदी एंड इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द शिन पेन टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द शिन पेन कॉजेस। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ शिन स्प्लिंट्स और शिन पेन कॉजेस। द फर्स्ट वन बीइंग मीडियल टीबियल स्ट्रेस सिंड्रोम, सेकेंड वन इज कंपार्टमेंट सिंड्रोम एंड थर्ड वन is the tibial stress fracture. So come let us see about determining the medial tibial stress syndrome. Patient may come with the complaint of shin pain or leg pain. So to assess it further, we can ask them few questions about their occupation, their sporting injuries, their past or present injuries and the relevant medical conditions. Further, we can ask them to jump, hop or do calf raises. If the pain persists, we can make the patient undergo few tests that I'm going to show you here. To determine medial tibial stress syndrome, I'm going to demonstrate two of the tests. So, the first one being the shin palpation test. Shin palpation test is done to determine the medial tibial stress syndrome. We have to squeeze the muscle and bone surrounding the area as we would do to a sponge. If the patient complains of some sort of pain here, then the test is positive for medial tibial stress syndrome. And now the second test to determine the medial tibial stress syndrome is shin edema test. What we have to do in this test is we have to press and hold the finger in the area like this for 5 seconds almost, and if there is some sort of indentation or gapping in the area, then the test is positive for the medial tibial stress syndrome.